हेलो एवरीवन, हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। लर्नर्स, हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ, मैं आपको कॉमर्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रही थी, 11th 12th के कॉमर्स करवा रही थी, सब कुछ करवा रही थी, लेकिन आज मैं आपको कॉमर्स पढ़ाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए किसके लिए लेके आई हूँ, आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ अपने प्यारे प्यारे 10th और 12th की क्लास के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिनका रिजल्ट जस्ट आने वाला है, बिल्कुल ये मानो रिजल्ट आ ही रखा है उनके लिए। तो आज की वीडियो में उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी उन बच्चों के लिए, कुछ गुड न्यूज दूंगी उन बच्चों के लिए और उनको ऑल द बेस्ट विश करूंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको पहली बात बता देती हूँ कि ये मानिए अपनी फिंगर क्रॉस रखिए सारे बच्चे। आपने मेरे से पहले बहुत यूट्यूबर्स की इस वीडियो को देखा होगा, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट 15 तारीख तक आ रहा है, 15 से पहले आ रहा है, नॉल देन, बहुत सारी आपने बातें ऐसी सुन ली होगी ऑलरेडी। लेकिन मैं अपने आपके आज की वीडियो में कुछ आपको ऐसे मूल मंत्र, कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको सुनकर रियली आपका दिल पूरी तरह से खुश हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात, ये सीबीएसई की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आईसीआईसी बोर्ड का और आपके जो भी स्टेट बोर्ड है उनका रिजल्ट ऑलरेडी काफी का आ चुका है। किसका रिजल्ट रह गया? मात्र एक सीबीएसई का रिजल्ट रह गया। वो भी क्यों इतना डिले हो गया, ये बात मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। पहली बात, जैसा कि आप लोग अभी तक सुनते हुए आ रहे हो, काफी सारे यूट्यूबर्स ने आपसे ये बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है, डेडलाइन तो 15 जुलाई है ही है। 15 जुलाई के बाद तो चाहे आपके 10th के बच्चे हो या आपके 12th के बच्चे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। हो सकता है आज भी आ जाए। आज क्या है, 12th जुलाई, आज भी रिजल्ट आने के काफी हद तक चांसेस है, या 10th के या 12th के। अब देखिए, आज 12 जुलाई है, कितना दिन बचे हैं 15 में, या आज आ सकता है या कल या परसों 14 जुलाई और एट लास्ट 15 जुलाई। अब एक बात और है, ये चार डेट आपके पास बची है, आज का भी ऑलमोस्ट आधा दो दिन बीत ही गया, फिर भी आज का भी मान लो, तो 4 डेट्स आपके पास बची हैं। इन 4 डेट्स में से 2 क्लासों का रिजल्ट आना है, किस किस का, 10th का और 12th का। पहली बात तो एक बात यकीन मानिए, दोनों का एक साथ रिजल्ट नहीं आ सकता, किसी एक का एक दिन आएगा, दूसरे का दूसरा दिन आएगा। अब मैं आपको एक और आपको मूल मंत्र बताती हूँ, एक बात बताती हूँ, या तो रिजल्ट आ जा सकता है या फिर आएगा 14 और 15 को। 13 जुलाई को रिजल्ट आने के बहुत ही ज्यादा लेस चांसेस है, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है, ये मानो नहीं ही चांसेस है। ऐसा पूछो क्यों, वाई, क्योंकि ये जो हमारे HRD मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है वो हिंदू है, हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग 13 तारीख जो 13 तारीख होते हैं वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं होते, शुभ अंक नहीं माना जाता। तो इसी रीजन की वजह से 13 तारीख को रिजल्ट आने के चांसेस, संभावना बहुत कम है, यानी कल मंडे को रिजल्ट आने की बहुत कम चांसेस है। रिजल्ट या तो आ जा सकते, और अगर आज का दिन बीत गया तो फिर रिजल्ट 14 और 15 को तो निश्चित है, पक्का ही है, एक दिन 12th का आ जाएगा और एक दिन 10th का आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा कब आएगा, हो सकता है पहले 12th का आ जाए या 10th का आ जाए। इस बारे में आपको भले यूट्यूबर्स ने कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी कई एग्जामिनर से बात हुई है, एग्जामिनर इन द सेंस ऑफ हर ही सब्जेक्ट के एग्जामिनर्स, 12th के भी और 10th के भी मेरे एग्जामिनर से बात हुई है डायरेक्टली। उन्होंने ये बात कही है कि ये कोई नहीं कह सकता कि 12th का रिजल्ट पहले आए या 10th का रिजल्ट आए, कभी भी आ सकता है। तो आपको एटलीस्ट डेट तो पता चल गई कि कब कब आने के चांसेस है रिजल्ट के। अब मैं आपको बताती हूँ टाइम, टाइमिंग क्या होगा 10th के रिजल्ट का या 12th के रिजल्ट की टाइमिंग्स। चाहे आपका आज तो हम कुछ कह नहीं सकते, चाहे आपका 14 का 15 का या चलो 1% 13 को भी आए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपके 12th के रिजल्ट की टाइमिंग है 12 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। मतलब 12th का रिजल्ट सीबीएसई के अगर हम बैक रिकॉर्ड्स को देखें
तो 12 बजे दोपहर से लेकर 1 बजे तक के बीच में हमेशा रिजल्ट आया है 12th क्लास का, ठीक है। और अगर हम 10th क्लास की बात को कंसीडर करें तो अगर हम सीबीएसई का ही बैक रिकॉर्ड देखें तो सीबीएसई का ही बैक रिकॉर्ड में 10th का रिजल्ट आता है आपका बेसिकली 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में। ये आपकी श्योरिटी नहीं है लेकिन ये हम अपना गेस लगा सकते हैं। जैसे 2019, 18, 17, 16 में इसी ही टाइम लिमिट के बीच में आएगा, जब जिस दिन आपका 12th का रिजल्ट है या जिस दिन आपका 10th का रिजल्ट है। 12th का रिजल्ट आता है 12 बजे या 1 बजे और 10th का रिजल्ट आता है 1 बजे या 4 बजे के बीच, ठीक है। अब आपको डेट पता चल गई, टाइम पता चल गई, तो ये बात तो मान के रही है 15 जुलाई तक रिजल्ट तो आया ही रखा है, आना ही आना है रिजल्ट को, इस बात को तो मान लीजिए। दूसरी बात ये होती है जब भी रिजल्ट आए टाइमिंग आपको पता चल गया क्या होगा। तीसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इस बार रिजल्ट इतना लेट क्यों हुआ सीबीएसई का। आमतौर पर इतना लेट तो कभी भी नहीं होता, कोरोना की वजह से तो है, ये बात तो फैक्ट है। इसके अलावा क्या रीजन है जो रिजल्ट लेट हुआ, उसका रीजन ये है कि अभी 2-3 दिन पहले आईसीएसई का रिजल्ट था, उसका रिजल्ट 99.04% रिजल्ट रहा है, मतलब 99.04% बच्चे पास है, ओनली एंड ओनली 0.6% बच्चे फेल है। आप ये मानो 0.6% क्या रेशियो होता है, कुछ भी नहीं। ये वही बच्चे होंगे जो बिल्कुल कॉपी को ब्लैंक छोड़ आए होंगे कि नहीं, किसी बच्चे ने एक भी शब्द नहीं लिखा। मेरे जितनी भी एग्जामिनर से बात हुई है 10th और 12th की, वो यही कह रहे हैं इस बार भर भर के मार्क्स दिए गए, जो बच्चे अपने 15 मार्क्स सोच के बैठे आउट ऑफ 80, ये मानिए वो निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जो बच्चे अपने 80 में से 70 सोच के बैठे वो अपने 75 प्लस सोच लीजिए, ये मानिए 5-20% की एक्स्ट्रा ग्रेडिंग चल ही चल रही है। 5-20% तक हर बच्चे के एक्स्ट्रा मार्क्स आने के फुलफिल चांसेस है। इसका भी रीजन क्या है ये भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट रीजन बताऊंगी। अब रिजल्ट आने के बाद अगर मेरी बातें आपको सही लगे तो आना मेरे चैनल पे वापस, आपको पता चलेगा मैम आपकी बिल्कुल ठीक बात कही थी। मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन पहले देख लेना ये मेरी बातें, अप्लाई करके देख लेना फिर आना मेरे चैनल पे वापस। तो आईसीआईसी एक ऐसा बोर्ड था जिसके हमेशा बहुत गंदा रिजल्ट रहता था, 70-75-80% पास होते थे, और सीबीएसई का जो रिजल्ट होता था हमेशा आईसीआईसी के रिजल्ट से प्लस होता था, अच्छा होता था। अब अगर सीबीएसई ने 99.4% रिजल्ट ना दिया हो सपोज करो, तो वापस ये लोग रिवैल्यू करने में लग गए हैं कि हम एटलीस्ट आईसीआईसी से अच्छा रिजल्ट दे, मतलब देखने लग गए कोई गलती ना हो, कोई रीचेकिंग ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो बस और तो कोई बात है नहीं रिजल्ट, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ जो बच्चे अपने जितने मार्क्स सोच के बैठे हैं उससे 5-20% एक्स्ट्रा हो गई होगा। ये मानिए अगर आप कॉपी में कुछ भी करके आए, अगर आप 10-15 मार्क्स का भी कॉपी में करके आए, तो मेरी गारंटी मानिए आप पास है। इस बार 99.8% मैं कह रही हूँ सारे बच्चे पास होंगे, क्योंकि मेरी खुद डायरेक्टली उन लोगों से, मेरे एग्जामिनर से बात हुई है जिन्होंने कॉपीज चेक किया हर क्लास की, चाहे आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, बस बात यह आपने कुछ लिखा होना चाहिए। जो आईसीआईसी में भी 0.6% फेल हुए थे वो वही बच्चे थे जो कॉपी खाली छोड़ आए थे या क्वेश्चन उतार लाए थे, ठीक है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ये समय है बिल्कुल भी डरने का नहीं। काफी बच्चे मेरे से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कह रहे थे कि मैम हमें बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो रिजल्ट का तो एक ना एक दिन आपने सामना करना ही है, आज नहीं करो कल करो, कल नहीं करो परसों करो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिजल्ट तो आपको अपना देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपने कैसा किया है। और मैं तो कह रही हूँ रिजल्ट को डरना नहीं चाहिए, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि विपत्ति को आपदा को अवसर बनाओ, ऐसे अगर आपके पास कोई कमी रह भी गई है तो इसे अवसर बना के और आगे अपलिफ्ट करो, ताकि आगे वो गलती आपकी ना हो पाए। ऑल द बेस्ट। जो बच्चे मैं हर एक अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे लर्नर्स को, मेरे ऑफलाइन बच्चे, मेरे ऑनलाइन बच्चे, मेरे अनअकैडमी के बच्चे,
उन सबके लिए भगवान से प्रे करूंगी। जो भी मेरे चैनल को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके देख लेना 95% अबव मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मैं उन सबके लिए भगवान से प्रेयर करूंगी। और अगर मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आए हो तो अभी नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा देखने के बाद आके मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल द बोर्डीज 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। फिंगर क्रॉस रखिए, अब किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है। 12, 13, 14, 15 में कोई, 12 तो आज ही है, इनमें कोई भी दिन नहीं है, किसी भी वक्त आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। मैं सब बच्चों के लिए भगवान से प्रे करूंगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कीप मोटिवेटिंग, भगवान पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, जो होगा सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। डरिए मत, मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।